नमस्कार। दिल्ली में बहुत जल्द लोकसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे, तो अब ये जानना ज़रूरी है कि दिल्ली के लोग क्या सोच रहे हैं और क्या सोचकर वोट डालने वो जाएंगे। मैं दिल्ली के जंगपुरा विधानसभा के भोगल मार्केट में हूँ। भोगल मेन मार्केट है, ये पुराना मार्केट है, लेकिन इस मार्केट का जो हाल ही में नाम हुआ वो इस वजह से हुआ क्योंकि यहाँ पर दिल्ली के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी हुई एक शोरूम में, ज्वेलरी शोरूम। आपको याद होगा करीब 25 करोड़ की चोरी एक ज्वेलरी शोरूम में यहाँ पर हुई। ये देखिए, ये शोरूम भी यहाँ पर है, यहाँ पर। हालांकि अच्छी बात ये रही कि दिल्ली पुलिस ने बहुत जल्द इस केस को क्रैक कर लिया और चोर पकड़े गए, तो भगवान कृपा बनाए रखे दोबारा किसी दुकान में इस तरह से किसी घटना को अंजाम ना दिया जाए। ये वो शोरूम है जहाँ पर वो घटना हुई थी। तो अब काम शुरू करते हैं। भोगल का मेन मार्केट है। नमस्ते जी, क्या नाम है आपका? रामू यादव। यादव जी, कहाँ के हैं आप? बिहार के। बिहार के। वोट आपके बिहार में ही हैं? नहीं, यहाँ। यहाँ दिल्ली में ही हैं। अच्छा भाई, मैं जानना हूँ, अब वोट आ रहा है, 25 मई को दिल्ली में वोट डाले जाएंगे, तो क्या सोच कर आप वोट डालने जाएंगे? वो तो जब आएगा तब देखा जाएगा किसको डालना है। नहीं नहीं, किसको तो मैं पूछ ही नहीं रहा हूँ आपसे, वो तो आपका, चलिए आप मत बताइए, पर क्या सोच के डालेंगे मैं ये पूछ रहा हूँ। कोई पता नहीं है जी, डाले भी या ना डाले। अरे नहीं, डालना तो जरूर भाई। नहीं ऐसा कुछ नहीं। नहीं नहीं, वादा कीजिए डालेंगे। नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अरे नहीं, ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार कोई भी आती है तो पब्लिक को लूटती है और क्या है। अरे बड़े बहुत भारी निराशा। नहीं नहीं, कोई भी, अब जैसे केजरीवाल आया था, पानी बिजली फ्री करके क्या किया उसने? अच्छा, फ़ायदा नहीं हुआ आपको? हमें क्या फ़ायदा हुआ, हमारे तो और नुकसान कर दिया। हम जिससे रोजी रोटी कमाते थे, बस फ्री, मोटरसाइकिल फ्री, ये सब कर दिया, तो हमारा काम तो ऐसे ठप हो गया। हम तो सारा दिन में 500 रुपये नहीं कमा पाते जो घर का खर्चा। ये जो महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी, हाँ, इससे आपको नुकसान हो रहा है? नुकसान तो हर चीज़ से है जी, मोटरसाइकिल से है, ये ई रिक्शा निकाल दिए, दिल्ली को चिड़ियाघर बना दिया इसने। ओहो, अब ये तो भाई उससे भी तो रोजगार मिल ही रहा है, ये कैसे कहने, मतलब ठीक है आपको नुकसान हो रहा होगा, वो नुकसान तो फिर आपको ओला उबर से भी हो रहा होगा जो टैक्सी चलती है। ये उतना उससे नुकसान नहीं है जितना ई रिक्शा से मोटरसाइकिल चला दिया बस फ्री के पैसे। तो इसको ट्रांसफर को इससे अच्छा इसको बंद ही करवा दे, गाड़ी भी 9 लाख की हो गई है। ओह, हम क्या करेंगे वोट देके, जब हमने कमा के खाना है तो। ओह चलिए ठीक है, पर वोट सोचिएगा वोट डालने के बारे में, किसी को भी डाले चाहे। नमस्कार जी, आपका क्या नाम है? राम बाबू जी। आगे तो छाँव में आ जाओ, धूप हो रही है, गर्मी दिल्ली में जो है वो बढ़ती चली जा रही है। हाँ, कहाँ रहते हैं जी आप? क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम राम बाबू है जी। राम बाबू जी कहाँ रहते हैं? भोगल में ही रहते हैं। भोगल में रह रहे हैं, रेडी लगाते हैं। अच्छा, रेडी है आपकी? कहाँ की? ये फलों की। फलों की कौन सी रेडी आपकी? अच्छा आगे है। क्या बेचते हैं आप? सेब, आम। सेब, आम, ये तो दोनों ही महंगा मटेरियल बेच रहे हैं। क्या सेब क्या रेट चल रहे हैं? सेब चल रहा है 120। 120। और आम, आम सफ़ेद आ रहा होगा अभी तो? सफ़ेद आ रहा। क्या एक 100 के आसपास होगा? हाँ, 100, 120। 100, 120। नीचे आ ही नहीं रहा इससे? अब बताओ, गरीब आदमी आम कैसे खाएगा? मोदी ने छोड़े ना, मोदी ने छोड़े ही ना खाने ला। ओहो ठीक है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्या सोच के आप वोट डालने जाएंगे आपकी बार? सोचेंगे जी, जो बढ़िया आदमी होगा, ईमानदार होगा, उसको देंगे। झाड़ू को देंगे। अच्छा, केजरीवाल बढ़िया आदमी है। अच्छा, उसको ही देंगे। ठीक है। अच्छा, ईमानदार आज कोई आया है? कोई आज तक आया ईमानदार? 50 साल से ईमानदार नहीं थे दोनों है? ये भी 50 साल से राज कर रहे हैं। अच्छा, है ना, वो कौन? बीजेपी और कांग्रेस। अच्छा, ये कौन से? अच्छा, अच्छे, ठीक है जी। सत श्री अकाल जी। हम तो परेशान हो चुके हैं दोनों से। परेशान कहाँ से परेशान हो गए जी? पार्टियों से यार। फिर भी अब और क्या तरीका है? उसको डालेंगे वो बुरा बन जाएगा, उसको डालो उसको वो बुरा बन जाते। हमारी यही, हमारे यही हो रहा है ना। नहीं तो आप वोट कीजिए, पहले तो अपना नाम बता दो। अमरजीत सिंह। अमरजीत सिंह, क्या करते हैं आप? प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी डीलर। अच्छा, प्रॉपर्टी का काम है आपका। अच्छा, नहीं मैं कह रहा हूँ पता कैसे लगेगा आपकी, वोट तो किसी को भी डाल दो आप। डालेंगे हम, फिर भी थोड़ा बहुत है ना। मैं तो खाली ये पूछ रहा हूँ क्या सोच के डालेंगे, मैं तो ये तो पूछ ही नहीं रहा हूँ मैं। सोचेंगे जब डालेंगे तो किसको डालना, क्या नहीं डालना, क्या नहीं बताया। आइडिया तो दीजिए, इतनी धूप में हम मेहनत करते हुए आए हैं, पता तो लगे यहाँ पर भोगल वालों ने हमें ये बताया। हाँ वो तो बात सही है आपकी। हाँ
ये कोई परेशानी आ गया। तुसी दसना नहीं चाहते? ठीक है। नमस्ते जी। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका क्या नाम हुआ जी? विनोद कुमार है जी। क्या करते हैं जी आप? मैं लीगल डिपार्टमेंट हूँ जी। मैं मेरा VMA लीगल है, उसमें मैं काम करता हूँ जी। प्राइवेट लॉ फर्म है। ठीक है। बस मैं ये जाना, रहते कहाँ हैं? मैं भोगल में मस्जिद रोड पर रहता हूँ जी। अच्छा अच्छा। बस मैं यही जानना चाह रहा था कि इस बार क्या सोच के आप वोट डालेंगे? सोच के हम ये वोट डालेंगे कि किस पार्टी ने देश का विकास किया और किस पार्टी का विकास नहीं किया है देश में। 6 महीना गर्मी बहुत होती है। हाँ। किस पार्टी ने देश को गुमराह किया और किस देश ने देश की उन्नति करी, देश का विकास किया और देश को जो है ना ऊंचाइयों पर बुलंदियों पर लेकर गए हैं और देश का नाम रोशन किया है। हाँ। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। तो आप क्या अलग अलग पार्टियों के मैनिफेस्टो ये पढ़ते हैं और मतलब सूचना वगैरह कहाँ से लेते हैं आप? ये सूचना एक तो न्यूज़ से भी आपकी मीडिया के माध्यम से भी ले लेते हैं, और दूसरा वैसे मैनिफेस्टो कभी हमारे हाथों में हम कोशिश करते हैं कि आपने निकालें किसी भी आपके जैसे NDTV न्यूज़ होता है उसमें से निकाल लेते हैं अपने गूगल पे जाकर। हाँ। तो उसको हम पढ़ते हैं, तो उससे भी पता चलता है कि कौन कितना झूठ बोल रहा है, कितना कुछ सच है, और उस मैनिफेस्टो को वो कैसे मतलब उसको फॉलो करेंगे या उसको पास करते हैं, उसमें कितना वो हमको दे सकते हैं, बेनिफिट्स दे सकते हैं। तो आप तो वाकई एक जागरूक मतदाता हैं जी। जी मतलब जी। जैसे जी हम जी चाहते हैं कि एक जागरूक मतदाता बनिए। तो ये जो हैं, आपका नाम क्या बताया आपने? विनोद कुमार जी। विनोद कुमार जी बिल्कुल वैसे ही मतदाता हैं, तो सबको जो है ऐसे ही होना चाहिए कि भाई देखें, पढ़ें, समझें और अपनी तरह से भी कोशिश करें। कई बार ऐसा होता है कि सामने जो दिख रहा है वो भी नहीं होता है, उसके पीछे उसका मतलब भी जो है कई बार समझना पड़ता है। जैसे लिखा कुछ है लेकिन मतलब इसका कुछ है, कुछ और होता है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम नितिन पंडित जी है, जंगपुरा निवासी हूँ मैं। बोलिए आप बताइए। आप, मैं बस ये जानना चाहूँ क्या सोच के आप लोग वोट डालने जाएंगे इस बार? एक इस बार हम एक महाभारत का युद्ध है, सत्य और असत्य के पीछे लड़ाई चल रही है। एक तरफ मोदी है, एक तरफ ये कर्म जो जितने भी है ना कर्मकांडी जितने भी इन्होंने बड़े अच्छे अच्छे कर्म किए हुए हैं, लूटपाट, ये एक साउथ गढ़ ये लड़ाई है आप हिंदू समाज के पीछे। हमारा तो वोट जो है ना बीजेपी को जाता है। हम तो कट्टर हिंदूवादी हैं, हम अपने हिंदू समाज के साथ खड़े हैं। ठीक, आओ आगे मार्केट देखें। आपका क्या नाम हुआ जी? मेरा ललित। क्या करते हैं जी आप? सर मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग का काम है भाई। मैं ये पूछ रहा था अभी 25 तारीख को वोट डाले जाएंगे, रहते कहाँ हैं आप? मैं तो नोएडा रहता हूँ सर। नोएडा। तो आप क्या तो वोट डाल चुके हैं? 26 तारीख डाल चुके हैं। अच्छा, तो क्या सोच के वोट डाला है जी आपने? सर सेंट्रल गवर्नमेंट में चाहिए, जो भी चाहिए मजबूत सरकार चाहिए। अच्छा, मजबूत सरकार के नाम पर। बिल्कुल, एक ही हो, मजबूत हो, पर जो देश को पूरी तरह से संभाल सके। पर वोट डाला है आपने? बिल्कुल डाला है, बिल्कुल डाला है। अच्छा, क्योंकि जैसे मैंने डाला तो मेरे तो उंगली पर निशान है। नहीं, मैंने भी डाला है सर। अच्छा, ऐसी बात है। उंगली दिखाइए। ये छूट गया वो, लेकिन अरे नहीं, अरे नहीं डाला है। अरे नहीं छूट सकता। नोएडा, मैं गाजियाबाद में हूँ और आपका नोएडा में जो है मेरी उंगली पर तो दिख रहा है कि मैंने वोट डाला है। बिल्कुल आपका दिख रहा होगा सर, छूट गया वो। अरे अभी तो हफ्ता भर भी नहीं हुआ। चलिए सर, आप हो सकता है। नहीं नहीं, चलिए ठीक है। चलिए, आपके परिवार वालों ने डाला होगा? सबने डाला सर, ऐसा बात नहीं है। अच्छा, शुरू से ही सर डाला। वो छूट गया होगा। अच्छा ठीक है, शुक्रिया भाई। टिश्यू पेपर और इस तरह के सामान की दुकान है ना। नमस्कार जी, आपका क्या नाम हुआ जी? सुधीर कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, ये आपकी दुकान है जी? हाँ जी, हमारी दुकान है। थोड़ा बस मैं ये जानना चाहता था कि क्या सोच के आप लोग इस बार वोट डालेंगे? 25 तारीख को दिल्ली में वोटिंग होगी। हम तो झाड़ू पे मोहर लगाएंगे और लोगों से लगवाएंगे। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ क्या सोच के वो होगा? ये तो आपका मत है ये वाला। हाँ। पर क्या सोच में, तो क्या सोच रहे हैं? उसने सुविधाएं बहुत दे रखी है ना भाई। अच्छा। हाँ, बहुत सुविधा दे रखी है। सरकारी स्कूल देख लो, सरकारी अस्पताल देख लो। अच्छा। और पानी फ्री, बिजली फ्री, बसें फ्री, हर तरीके की सुविधा गरीब आदमी देखता है, वो उसी मत से वोट देता है। तो मतलब आपको फायदा हुआ है इसलिए आप जो हैं? हमें क्या फ़ायदा हुआ है, जो गरीब आदमी है सबको फ़ायदा हुआ है। अच्छा। हाँ, गरीब आदमी को क्या चाहिए? पेट भर के रोटी चाहिए। हाँ। अगर बीमार हो जाए तो उसका इलाज फ्री चाहिए। हाँ। पैसा वालों का क्या सिस्टम है? पैसा उसके पास है, वो तो प्राइवेट में जाएगा, 1 लाख भी खर्च करेगा, 2 लाख भी खर्च करेगा। हाँ। गरीब आदमी के पास पैसा कहाँ से आया? बेचारा रोज कमाता, रोज खाता। केजरीवाल ने बहुत सुविधा दिल्ली में दे रखी है, ऐसी बात नहीं। अच्छा। हाँ, अगर आज वो जेल में बंद है तो सब लोग, गरीब आदमी बेचारे सब तड़प रहे और रो रहे। अच्छा, मतलब आपको लग रहा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी से आप लोगों को नुकसान हो रहा है? नुकसान क्या है, बेचारा बढ़िया आदमी था। अच्छा। बढ़िया आदमी के है ही किसके लिए? ये तो वो जेल में जाएगा, नहीं मरेगा, यही है और क्या। अच्छा खासा पूरा बहुत पुराना मार्केट है ये जंगपुरा में, जंगपुरा का ये भोगल। लगे
लोगों से बात करने के बहाने मार्केट भी देखने को मिल जाता है। क्या नाम है जी आपका? हाँ एक मिनट से, इधर आइए इधर आइए। क्या नाम है जी आपका? टोनी नाम है। टोनी जी कहाँ रहते हैं? लाजपत नगर। लाजपत नगर। अभी 25 तारीख को वोट डाले जाएंगे दिल्ली में, थोड़ा थोड़ा सा आगे ले लो। तो क्या सोचकर आप वोट डालेंगे? क्या सोचकर वोट डालेंगे जी, अच्छा होने के लिए है? अच्छा होने के लिए, अच्छा देश के, उसके लिए डालेंगे और किस लिए डालेंगे? अच्छा नहीं, मतलब कि कुछ सोचते तो होंगे ना कि हाँ, मैं ये नहीं जानना चाह रहा हूँ कि किसको डाल रहे हैं यहाँ पर, क्या सोच के डालेंगे? मैं क्या अच्छी सरकार के लिए डालेंगे। अच्छी सरकार। हाँ। कैसी सरकार, मतलब कैसी सरकार चाहिए? अच्छी सरकार हो जो हमारे लिए काम करे, भला करे, गरीबों का तंग ना करे। अच्छा। जो रेहड़ी पटरियाँ लगा रहे, अभी दुकान हमारी लग रही है, अभी कल हमारी हटवा दी वहाँ से, लाजपत नगर से। कल वो कह रहे हैं एसीपी साहब बोल रहे हैं हटाओ इसे। अच्छा अच्छा, आपकी दुकान लगती कहीं वो तय बाजारी के तहत है? ना, तय बाजारी में नहीं है, वैसी पटरी लगा रहे, 14 साल से लगा रहा हूँ। अच्छा, दुकान कहाँ पर? जलविहार लाजपत नगर में। अच्छा, उसमें कल वो बीट अफसर आया, कह रहे एसीपी मैडम कह रही है कि ये दुकान हटा लीजिए। बताओ क्या एसीपी मैडम, एसीपी मैडम ने मेरी मच्छी खा के उनके 10 लग गए जब दुकान हटाने के लिए कह रहे। तो मतलब आप ऐसे को वोट डालेंगे जो कम से कम आपकी दुकान ना हटवाए? हटवा दुकान ना हटवाए जी, कमा के खा रहे, कमा के खाने में भी प्रॉब्लम आ रही है किसी को, तो क्या बिकवा होता। अब ये धूप में खड़े हुए ये पटरी वाले भी, ये देखो इनको ये हटा के कोई क्या चोरी कर रहे, डकैती कर रहे हैं। बंदा अब इसे भी हटाओगे तो कोई अपने बच्चे पालने के लिए क्या करेगा? क्या करेगा? अभी 14 साल से मान लो मैं दुकान ही कर रहा हूँ, मुझे ही तंग करा जाएगा तो क्या करेगा लास्ट? ठीक है, समझ गया। लास्ट क्या, हम तो यही चाहेंगे सरकार किसी की भी आए काम करे, बस गरीबों को ना सताए और गरीबों को खाने कमाने दे और रहने दे चैन से। इसलिए वोट जरूर दीजिएगा। वोट तो जरूर देंगे। बस 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 बस, वोट किसी को भी दीजिए। हाँ, काम करना ना करना इनके ऊपर है। ठीक है, नमस्ते जी। कहाँ रहती हैं आप? काले खाँव में रह रही हैं। क्या नाम हुआ आपका? इधर आ जाओ, छाँव में आ जाओ। मेरा नाम अजमेरी है। अजमेरी। हाँ ठीक है, मैं ये पूछ रहा था अभी 25 तारीख को वोट डाले जाएंगे, वोट तो बना हुआ है ना आपका? हाँ, यही रहते ना। हाँ, क्या सोच के वोट डालेंगे आप? 5 वोट है। 5 वोट? 5 मेरे आदमी का, मेरे बच्चे का, मेरा। अच्छा, मतलब घर के 5 वोट है तो इधर। हाँ, 5 है। अरे तो ये 5 वोट क्या सोच के डालेंगे आप? क्या करें, हम लोग गरीब आदमी को तो कुछ है ही नहीं है, तो मैं क्या करेंगे? मैं, मेरे को जो अच्छा लगेगा वही करेंगे। हाँ, तो मतलब मैं वो नहीं जानना चाह रहा मैं कि किसको वोट दे रहे हो। हाँ। पर मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्या सोच के वोट देंगे, क्या सोचेंगे कि किसको किसको जो अच्छा लगेगा, जो दुनिया जैसे देगा वैसे मैं करेंगे। अच्छा, अभी सोचा नहीं है या अभी? मैं अभी सोचा नहीं है, अभी सब मेरे वहाँ पर पड़ोसी लोग हैं, जो जैसे कहेगा वैसे करेंगे। ओ अच्छा, अच्छा आस पड़ोस में जैसे विचार बनेगा। हाँ, मेरे तो 5 वोट है, मेरे तो दो लड़का का है, एक लड़की का है, दो मियाँ बीवी का है। ठीक है, तो हमेशा ऐसे करते हो भाई, मतलब सलाह करके वोट डालते हैं? अब वहाँ पर है ना, अभी देखो। अच्छा। अभी तो हालात बहुत खराब चल रहा है, मोदी जी तो सबको रोड पर खड़ा किए हुआ है। आप से लोग चाह रहे हैं मैं दूसरे को वोट देंगे। अच्छा, वहाँ लोग चाह रहे हैं दूसरे को वोट देंगे आपके ऊपर? अच्छा अच्छा, वहाँ रहने की दिक्कत हो रही है वहाँ पर? हाँ, रहने का भी दिक्कत है, खाने कमाने का भी दिक्कत है, काम धाम भी नहीं है, बच्चे लोग, हम लोग भी देखो अभी घर से काम करके आ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। कुछ गरीब को तो कुछ तो करना चाहिए, महंगाई इतना है, महंगाई बहुत, महंगाई से परेशान है, फिर महंगाई इतना है, कुछ बता ना सके। हम लोग का आदमी टैक्सी चला रहा है, काम धाम भी नहीं है। ठीक है, लेकिन वोट जरूर डालिएगा, आपके 5 वोट डालने चाहिए। ठीक है भाई, सत श्री अकाल जी। वाह जी, थोड़ा नाम दस दो जी। मेरा नाम हरविंदर सिंह धीर है जी। कितने रहते हैं? जंगपुरा ए चरंदा जी। अच्छा, हाँ जी। जंगपुरा या भोगल ही रहते हो? जंगपुरा ए जी। जंगपुरा ए। हाँ जी, बस यही जानना चाह रहे थे जी, क्या सोच के, थोड़ा आगे आ जाओ, पीछे जाम ना लग जाए, क्या सोच के अब की बार वोट डालोगे? देखो जी, वोट तो हम हर साल, हर 5 साल बाद वोट होती है, डालते हैं। हाँ। कभी हमने कभी अपना वोट वेस्ट नहीं किया है। बहुत बढ़िया, पूरी फैमिली के साथ हम आते हैं। हाँ। चाहे किसी भी पार्टी को वोट दें। हाँ। हम देखते हैं काम क्या हुआ है, काम क्या हुआ, 5 सालों में जो कुछ हुआ है उसको देखकर हम वोट डालते हैं। अच्छा। फैमिली के सब मेंबर एक साथ चलते हैं, यानी कि एक दूसरी तरफ है, एक तीसरी तरफ है, इस तरह से नहीं। अच्छा, हम देखते हैं काम हुआ है, जो सही है, काम करने लायक है, उसको हम वोट देते हैं। अच्छा, मतलब जो काम हुआ है और जो काम आप चाह रहे हैं वो भी तो देखते होंगे। हाँ, वो भी, वो तो है। देखो ना, ऐसा जो वादा कर रहा है, आज तक जिसने भी वादे किए हैं हमने नहीं देखे कि पूरी तरह पूरे हुए हों। देखो काम होते हैं, काम तो जो देखो उनको करने पड़ते हैं, हम भी अपने घर के काम करते हैं, कुछ अधूरे छोड़ देते हैं। इस तरह से ये लोग भी वादे करते हैं, वादे पूरे नहीं होते हैं, कुछ वादे होते हैं पूरे, लेकिन वो हमारी समझ से बाहर हैं।
जो आम जनता को चाहिए, गरीब आदमी को जो चाहिए या मिडिल क्लास को चाहिए, वो चीज़ें नहीं मिली हैं। ये हम लोग अपनी मेहनत से, अपने तजुर्बे से हम कमाई कर रहे हैं, अपने जिस तरह से चला रहे हैं वैसे ही जीवन चल रहा है। अगर हम कहें जी सरकार के ऊपर सब कुछ छोड़ दें, तो ये बहुत मुश्किल है। ये बात भी ठीक है। तो बाकी आप जो पूछना चाहते हो पूछिए। आपने सब बता दिया, बस ये बड़ा अच्छा लगा जान के कि हम आप वोट जरूर करते हैं, पूरा परिवार जाता पूरा परिवार हम पूरा वोट करते हैं। हम कोशिश करते हैं, मेरा तो ये असूल है कि सबसे पहला वोट अपने जहाँ पर वोटिंग होती है पहला मेरा वोट पड़े। मैं टाइम से पहले 15-20 मिनट पहले आधा घंटा लाइन में खड़ा हो जाता हूँ, क्योंकि वोट का मुझे बहुत ही शुरू से वो है कि वोट देनी है, जरूर देनी है। ये बहुत बढ़िया है जी, ये सब में ही होना चाहिए। सबको यही सलाह दूंगा कि टाइम से अपना पहुंच के वोट दीजिए। ये मत देखिए आगे गर्मी की, बहुत सीजन गर्मी का है, इसलिए टाइम से सुबह ठंडक में निकलेंगे, जल्दी वोट देंगे, तो इससे सरकार को भी पता लगता है कि कितनी परसेंटेज वोटिंग होगी है। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि वोट जरूर दीजिए। इनकी तरह सुबह सुबह ही पहुँच जाइएगा, चाय पानी मिले जी, काम गर्म कर ले फिर आते हैं। आपका क्या नाम हुआ जी? मैंने प्रवेश है जी, प्रवेश यहाँ कहाँ रहते हो जी? ये भोगल में रहते हैं। भोगल में रहते हैं, हाँ। तो क्या सोच के इस बार वोट डालने जाएंगे? वो सरकार का काम, सरकार के वादे उन्होंने अच्छा। अपने मैनिफेस्टो में दिया है, हाँ। उस मैनिफेस्टो को जरूर हम ध्यान में रखेंगे, और उनकी पुरानी जो पास्ट एक्सपीरियंस है, पुरानी जो वर्क है, वो सब तो देखना ही होगा हमको। अच्छा, तो मैनिफेस्टो वगैरह आप पढ़ते हैं पॉलिटिकल पार्टी? पढ़ते जी पढ़ते हैं। अच्छा, हाँ। जैसे एक आधा कोई बीजेपी का बताइए या एक आधा कोई कांग्रेस का कुछ पता लगे है कि भाई ये नहीं, देखो देखो मुझको, मैं अपनी बात से समझतेगा तो मैं अपनी जो मेरी अपनी राय होती है वो बीजेपी का मेरे को हर चीज़ अच्छी लगती है। संकल्प पत्र पढ़ा मैंने, अच्छा, बीजेपी का हर चीज़ मुझे अच्छी लगती है। अच्छा, हाँ, वो उसके जो वादे वो वादे पूरे भी करते हैं, तो ऐसे नहीं कि सिर्फ हवा में ही बातें कर रहे हैं और कुछ एक्चुअल में कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। दूसरी पार्टी का तो मैनिफेस्टो पढ़ते ही नहीं होंगे? नहीं नहीं पढ़ते भी है, पर मेरे को उनकी बातों में सच्चाई नहीं लगती, उन बातों में धार नहीं लगती कि हाँ रियलिटी क्या है और एक्चुअलिटी क्या है। अच्छा, वो मुझे पसंद नहीं आता। हमको ना कांग्रेस का पसंद आता जी, ना आपको पसंद आता, अपनी बात कर रहा हूँ जी। मुझे भारतीय जनता पार्टी का बहुत कुछ अच्छा लगता है। अच्छा, हम तो इसी को ही देख रहे हैं। ठीक, ओके सर। और ये बिट्टू जी हैं, बहुत बढ़िया आदमी। आपका क्या नाम हुआ जी? अशोक कुमार। अशोक कुमार जी कहाँ रहते हैं? मैं यहाँ रहता हूँ सरायकाले का। सरायकाले का। 25 तारीख को वोट है दिल्ली में, क्या सोच के वोट डालने जाओगे आप? वोट डालने जाएंगे, विकास वगैरह हो रहा है, सब कुछ हो ही रहा। अच्छा अच्छा, हाँ, तो मतलब विकास को ध्यान में रख के, हाँ, मेरे हिसाब से तो सब बढ़िया ही हो रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। हाँ, मेरे हिसाब से तो सब अच्छा है, मोदी जी ने जो भी किया है वो अच्छा ही किया है। अच्छा, हाँ, ठीक है। मैम, जो हस्बैंड कह देंगे वही या फिर कुछ अलग भी सोचेंगे आप? मैं तो केजरीवाल को वोट दूंगी। अरे आपकी वाइफ भी तो है? हाँ, वाइफ है, लेकिन इनको थोड़ी समझ कम है ना। अरे ये क्या बात हुई, इन्होंने केजरीवाल कह दिया तो समझ कम है? पहले एक बार पूछ लो, किसी की अपनी अपनी समझ होती है ना। अब उनको शायद कुछ समझ में आया होगा, उनकी समझ सीमित है, हमारी समझ आगे नहीं, नहीं ये गलत भाई, ये गलत बात है। गलत नहीं है सर, गलत नहीं, सही है ना, क्योंकि सीमित क्यों है? अच्छा, आप क्या काम करते हैं बताइए? मैं तो टेलर मास्टर हूँ। ठीक है, आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ हैं। अब हाउस वाइफ हैं, आपसे ज्यादा बड़ा काम ये कर रही हैं? हाँ, वो सही बात है, संभालना सबसे मुश्किल, वो बड़ा काम कर रही, वो सही है, लेकिन समाज में जो ज्यादा बेहतर हो ना वो ज्यादा सही है। सिर्फ अपने लिए बेहतर हो वो सही नहीं रहता भाई, सबके लिए सही हो ना वो ज्यादा सही रहता है। अच्छा मैडम, आपका क्या नाम है? के लिए पूजा। पूजा जी, थोड़ा अब आप बताइए, अब एक मिनट चुप रहिए, पहले इनको बोलने दीजिए। क्या सोच रहे हैं आप केजरीवाल को, क्यों आपने तो सोचेंगे वो बेहतर है? उनके चक्कर से बहुत से बच्चे पढ़ रहे हैं ना, बहुत गरीबों के बच्चे पढ़ाई जा रहे हैं, बहुत अच्छे कर रहे हैं, जो गरीब थे उनके भी बच्चे पढ़ रहे हैं, शिक्षा मिल रही है। अच्छा नहीं, पर ये अच्छी बात है भाई, हस्बैंड वाइफ दोनों अपना दिमाग जो है इस्तेमाल कर रहे हैं पूरा, स्कूल के लिए बहुत अच्छा किया, लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा है, लड़कियों के लिए बहुत कर रहे हैं। अच्छा, स्कूल के लिए जो भी है मतलब उनके हिसाब से, हाँ, वो मतलब कर रहे हैं, जो स्कूली शिक्षा पहले थी ना उससे थोड़ी बेटर है, बेटर हुई है। हाँ, अच्छा, मतलब आप ये मान रहे हैं स्कूली शिक्षा मान रहे हो? मतलब हाँ, कुछ चीजें हैं जो मतलब ठीक है, लेकिन जो अभी जो बीच में जो शराब और आपका चक्कर हुआ था ना, ये गलत है। इससे आपको, इससे मुझे प्रॉब्लम थी और है और आगे भी शायद रहेगी। अच्छा, जो सिस्टम है ना तरीके से हो तो वो ज्यादा बेहतर, जो समाज में सबके लिए अच्छा हो ना वो ज्यादा अच्छा रहता है ना। अब ये जैसे एक के साथ एक फ्री कर दी, ये आपके लिए आपके हिसाब से सही है? नहीं सही है ना, तो इन चीज़ों पे कंट्रोल होना चाहिए ना। अभी यहाँ पे देखो, ये पहले आराम से निकलते थे, ये ठेका खुल गया, कितनी प्रॉब्लम होती है, गाड़ी निकल नहीं पाती है, भीड़ लग जाती है होटल के पास। ठेके तो हमेशा सही है, ठेके पे तो कोई ऐसी जगह होनी चाहिए ना जहाँ पे मतलब लोगों को, पब्लिक को प्रॉब्लम नहीं हो ना, है ना, पब्लिक को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। अब जहाँ पे देखो, अब ये मतलब
सब पब्लिक निकलती है खाने पीने, तो वो चीजें मतलब थोड़ी हटके होना चाहिए ना। ठीक है, लेकिन मुझे तो ये जान के अच्छा लगा कि हस्बैंड और वाइफ दोनों अलग अलग दिमाग रखते हैं, वरना आमतौर पे हमारे भारतीय घरों में होता ये है कि जैसे हस्बैंड कह रहा है वैसे ही वाइफ जो है। हमने कोई पाबंदी नहीं लगा रखी है, अपनी अपनी सोच होती है, वाइफ की भी अपनी वो ये मत कहिए जी सीमित है सोच, वो हो सकता है आपसे बहुत ज्यादा नहीं वो गहरी सोच और बहुत ज्यादा दुनिया देख रही है। नहीं नहीं सही बात है, वो ठीक है, लेकिन हमारी अपनी है उनकी अपनी है, बस ये चीज है। घर में जाकर लड़ाई मत कीजिएगा। नहीं नहीं लड़ाई तो हम करते भी नहीं। ठीक है, शुक्रिया जी, आप बहुत देर से खड़े हैं जी, एक मिनट आप भी उधर खड़े हैं, आपका क्या नाम होगा जी? मेरा नाम रमेश। एक मिनट जी, रमेश जी। हाँ जी, यही यही रहते हो जी? बगल में? हाँ नहीं, लाजपत नगर। लाजपत नगर। बस ये मैं जानना चाहता क्या सोच के वोट डालेंगे, सोच क्या होगी जो जिसके साथ आप वोट डालने जाएंगे? हमारी ये सोच होगी जी, जो देश की रक्षा कर रहे हैं, जो देश के भला कर रहे हैं, हाँ जी, उन्हीं को वोट दिया जाए, उन्हीं को वोट दिया जाए जी। अच्छा, ये हाँ जी, जो जो देश की रक्षा करे, देश का भला करे, हाँ जी, उन्हीं को वोट देना चाहिए। ठीक, आपका क्या नाम मंगल जी? राजकुमार। राजकुमार जी, आप यहीं लाजपत नगर में रहते हैं? लाजपत नहीं, भोगल है। हाँ, ये भोगल है। ठीक ठीक है, वो लाजपत नगर बराबर में ही है साथ में। ठीक है, अच्छा, मैं कल बोल रहा था। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। अरे सब आसपास में स्कूटी में घूम रहे बिना हेलमेट के, यानी कि सब लोकल ही है। हाँ बताइए। ठीक ठीक कह रहा हूँ जी। आपका नाम बताइए। राजकुमार। क्या करते हैं जी आप? मैं रिटायर हूँ। अच्छा, रिटायर हो गए हैं, तो बस क्या सोच के वोट डालने जाएंगे 25 तारीख को? देश के लिए जो अच्छा होगा वोट डालेंगे। जो देश के लिए अच्छा होगा, कैसे तय होगा कि देश के लिए अच्छा क्या है? अच्छा, आपसे पूछ लो, आप कैसे तय करोगे? भाई सारे उसमें देख कर के भाई, क्या क्या काम किया है, क्या क्या काम नहीं किया है, आगे के लिए क्या दिखता है, तो ये हम भी यही देखेंगे। अच्छा भाई, ये इंटरव्यू हम ले रहे हैं, आपने हमारा इंटरव्यू नहीं था। आप लोगों का काम क्या है कि अपनी जमान ना दूसरों के मुंह में डाल देते हैं। नहीं, वो फिर दिक्कत एक ये भी आती है। अब मैं आपको दूसरी जगह, हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हो, जो आप सुनना चाहते हो वही। नहीं, ऐसे ही होता है। मैं आपको बताता हूँ, अगर ये हो गया कि भाई मैं ही अपना ज्ञान बांटे चला जा रहा हूँ, तो फिर आपकी कौन सुनाएगा? नहीं नहीं, हमें तो हम ही सुनाएंगे। हाँ सुनाएंगे, तो ये भी नहीं होना चाहिए कि अपना ही ज्ञान पे ले चले जा रहे हैं। ये पूछना भी ना किसको वोट दोगे? नहीं नहीं, मैं वोट नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बस सोच पूछ रहा हूँ। सोच तो हाँ, सोच तुम्हारी क्या विचार है? सोच हमारी देश के लिए, वोट तो वाकई में बहुत प्राइवेट चीज है। हाँ, वो देश के लिए है, जो देश के लिए अच्छा हो। हाँ, जो देश के लिए अच्छा हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है भाई? अंश। फर्स्ट टाइम वोटर हो क्या? नहीं, सेकंड टाइम। सेकंड टाइम, ठीक है। तो क्या सोच के वोट डालने जाओगे? प्रधानमंत्री जी को ही देंगे, और किसको देंगे? प्रधानमंत्री जी, मोदी जी। ठीक है, मतलब कारण क्या होगा? कारण क्या? राम मंदिर कारण है, और क्या कारण? मंदिर क्लियर कट, राम मंदिर है तो हम हैं। अच्छा, नहीं नहीं, बिना राम मंदिर के भी तो आप थे ही, और बिना राम मंदिर के भी आप लोग। हमें राम मंदिर ही चाहिए। अच्छा, बस और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, राम मंदिर के नाम पर वोट जाएगा प्रधानमंत्री जी को? प्रधानमंत्री 5-6 बार दबा सकते हैं, तो हम तो वो भी दबा देंगे, पर दबा एक बार ही सकते हैं। अरे मशीन खराब मत कर देना, ईवीएम के ऊपर वैसे ही बहुत सवाल उठे रहते हैं। नमस्ते जी, क्या नाम हो जी आपका? दीपक। दीपक जी, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? जंगपुरा में ज्वेलरी की शॉप है। ज्वेलरी की शॉप है, ठीक है। क्या सोच के वोट डालने जाएंगे? वार्ड मंदिर, राम मंदिर मुद्दा एक। राम मंदिर? हाँ। अरे वाह, और विकास? हाँ। विकास करा है मोदी जी ने। अच्छा, एक आधा कोई काम बताइए जो आपको बिल्कुल पसंद आया। तो एक आधा काम जो है जो नहीं करा, ये पूछिए आप मेरे से। हाँ। ऐसा काम बताइए जो मोदी जी ने नहीं करा। नहीं, ऐसे तो बहुत सारे काम हो सकते हैं जो हिंदुस्तान का नाम आज कितना ऊंचा है बाहर देशों के अंदर। आज हिंदुस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू कितनी है? पहले हिंदुस्तानियों को कोई पूछता नहीं था। नहीं, कम नहीं पूछता था? अरे नहीं पूछते थे, उस टाइम इतनी इज्जत नहीं होती थी, अभी जो इनकी रिस्पेक्ट होती है इंडियंस की। हमें तो हमेशा भारतीय होने पर गर्व रहा है भाई। हम भारतीय तो हम भी गर्व है ना, भारतीयों के ऊपर ही तो गर्व है। अचानक से थोड़ी गर्व आ जाएगा? नहीं नहीं, गर्व तो पहले से ही है कि हम इस मिट्टी में जन्मे हैं, हमें गर्व है। गर्व है, लेकिन इतनी पासपोर्ट की वैल्यू इतनी इंडिया की बाहर नहीं थी, अभी बहुत वैल्यू है। अभी लोग मतलब वैल्यू किस तरह से आपको कहते हैं, मतलब वो घुसने रिस्पेक्ट करते हैं इंडियंस के साथ में। इंडियन के घुसने तो पासपोर्ट होगा तो कोई मना थोड़ी ना कर सकता। अच्छा, अभी इंडियंस की रिस्पेक्ट ज्यादा होती है। रिस्पेक्ट ज्यादा हो गई है। हाँ ठीक है, ये मोदी जी ने दिलवाई है। ये मोदी जी ने दिलवाई है। ठीक है, शुक्रिया। चलिए आगे को चलें। आपका क्या नाम है जी? सुचित्रा वर्मन। कहाँ रहती हैं जी आप? मैं उत्तराखंड में रहती हूँ। उत्तराखंड में रहती हूँ। उत्तराखंड, यहाँ कैसे आई हुई आप? दामाद के घर है, लड़की शादी करे, ये पोता है मेरा। अच्छा, तो वोट तो डाली आई? हाँ, वोट डाल दिया। चलिए एक बार उंगली दिखाइए। उंगली में से निशान हट गया ये है अभी तक। अच्छा अच्छा, ठीक है। आप तो पहले 19 अप्रैल को ही पड़ गया ना आपके यहाँ वोट? ठीक है, इतने दिन में तो हट गया होगा। ठीक है, चलिए। तो ये थे, हाँ जी, हाँ हाँ जी।
हाँ जी, क्या करते हैं जी आप? सर टैक्सी ड्राइवर है। टैक्सी ड्राइवर है, क्या नाम हो आपका? महेंद्र शर्मा। रहते कहाँ? भोगल में। भोगल में। क्या सोच के वोट डालने जाओगे? डालने जाएंगे। नहीं, क्या सोच के, किस सोच के साथ में, मतलब किसको डाल रहे हो? मैं वो नहीं पूछ रहा, पर क्या सोच के कि अच्छा वो मिले हमारे को मिनिस्टर? मिनिस्टर से अच्छा चाहिए, मतलब काम जो करे उसके लिए पार्टी अच्छी हो। अच्छा, तो कैसे तय करते हैं इसको आप? वोट डाल के। तय कैसे करते हैं? वोट तो आप डाल ही देंगे, कि वोट के क्या सोच के आप तय कैसे होगा कि हाँ ये ठीक रहेगा? हमने तो केजरीवाल को सोचा है जी। अच्छा, मतलब मैं वो पूछ रहा हूँ कि मतलब क्या सोच के? और क्या सोचेंगे, मतलब जो पार्टी काम कर रही है उसके लिए कर रहे हैं काम, तो इसलिए उसको डालेंगे। अच्छा, आपका क्या नाम है जी? विक्की। विक्की जी, आप भोगले रहते हो? हाँ जी। ठीक है, क्या क्या करते हैं आप? मेरा कपड़ा काम है। कपड़े का, बस वही मैं जैसे इनसे पूछा था, क्या सोच के वोट डालने जाएंगे? एक अच्छे काम, जो काम आज तक हुए नहीं थे, वो सरकार मोदी ने करके दिखा दिए। जो उम्मीद लोगों को थी नहीं, आज की डेट में सारी उम्मीदें हो चुकी हैं। ठीक है जी, तो उम्मीदें पूरी कर दी। हाँ जी, आप चाहते थे वो पूरा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ठीक है, फिर तीसरी बार भी? हाँ जी हाँ जी, आपकी बार 500 पार। अब तो 400 की बात भी बंद हो गई, आप तो 400 से आगे 500 निकल गए। अगली बार मैं आऊँगा, अगले चुनाव में आप 600 बार भी बता दें। ठीक है, शुक्रिया। तो ये थी बातचीत। ये जो इलाका है, ये वैसे तो पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के अंदर आता है, लेकिन वैसे ये असल में दक्षिणी दिल्ली का इलाका है। जंगपुरा विधानसभा भोगल का ये इलाका है, बहुत पुरानी मार्केट है, लेकिन नाम जो है इस मार्केट का वो हाल फिलहाल में तब जाके हुआ जब इस इलाके में एक बड़ी, जैसे कि मैंने बताया, एक बड़ी ज्वेलरी शॉप पर दिल्ली के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी हुई। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी रोहित विश्वकर्मा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।